राम राम किसान साथियों, किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जून जुलाई में वर्गीय फसलों और सब्जियों के बारे में। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में मिर्च, टमाटर, बैंगन, करेला, लौकी तथा अन्य सब्जियों के बारे में करेंगे तो या फिर आपकी कंपन कमाई कर सकते हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्च की। किसान साथियों, सबसे पहले मिर्च की बात करेंगे। और मिर्च किसान साथियों, आप दो प्रकार से कर सकते हो, या फिर तो थ्रू ट्रिप के कर सकते हो या फिर दौरे बनाकर कर सकते हो। किसान साथियों, इसके अलावा इसकी नर्सरी होती है और डायरेक्ट रोपाई भी होती है। किसान साथियों, नर्सरी आप घर पर तैयार कर सकते हो या फिर आपने किसी भी बाड़े या फिर किसी भी छोटे स्थान पर कर सकते हो। किसान साथियों, मिर्च की हाइब्रिड वेरायटी की बात करेंगे तो सेमिनास की, और किसान साथियों दूसरी वेरायटी की बात करेंगे सोनल राशि। किसान साथियों, दोनों अच्छी वेरायटी है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसान साथियों, इसका सिंचाई करना और इसके जिसमें थ्रिप्स आता है, वायरस आता है, बहुत सारे रोग आते हैं, इसके लिए आप नीमोल का स्प्रे कर सकते हो, जिससे क्या है कि मुडरिडिया रोग और ये रोग नहीं आएगा। किसान साथियों, आप ट्रिप और मल्चिंग से करोगे तो आपका बेटर प्रोडक्शन होगा। साथियों, मिर्च के उत्पादन की बात करें तो 40 से 50 टन क्विंटल आपका प्रति बीघा हो जाएगा। किसान साथियों, इसके अलावा हम बात करें कि मिर्च का जो नर्सरी हो कितनी लगेगी आपको, तो आगे आधे बीघे की बात करें तो 3,500 पौधे हमारे पुरानी मिर्च की जो फसल है उसमें लगेंगे। किसान साथियों, इसके अलावा बात करते हैं 100 पौधे जो आप लगाएंगे नर्सरी में से निकाल कर, वो सूख जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा नर्सरी जरूर करें। किसान साथियों, अगले टॉपिक की बात करें नर्सरी की, अगले टॉपिक की बात करेंगे। किसान साथियों, बैंगन पे आप बरसात सीजन में और रबी सीजन दोनों सीजन में लगा सकते हो। बट किसान साथियों, हम बरसात की बात करें तो आप नर्सरी से भी कर सकते हो या फिर घर पर क्यारी बनाकर भी कर सकते हो। किसान साथियों, इसके बीज दर की बात करें 80 से 90 ग्राम प्रति एकड़ आपका बीज दर लगेगा आप नर्सरी करोगे तो। किसान साथियों, आप दूसरे टॉपिक की बात करें कि इसकी जो बैंगन की वेरायटी की बात करें तो सेमिनस की F1 और सिजेंटा की F1, ये दोनों अच्छी बेस्ट क्वालिटी है। किसान साथियों, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि बैंगन में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, यानी कोई लंबा बीजारू होता है, तो गोल होता है, थोड़ा गुलाबी होता है और ब्लैक टाइप का होता है। तो किसान साथियों, जो लंबे बैंगन होते हैं मार्केट में उनकी ज़्यादा डिमांड होती है। किसान साथियों, बैंगन में रोग की बात करें तो इसमें मुरडिया रोग भी आता है, सफ़ेद मक्खी आता है, ब्लैक धब्बा आता है। किसान सर, इसके अलावा इसमें आप दवाई की बात करें तो जैविक में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, और किसान साथियों, अगर आप रासायनिक प्रयोग करते हो तो आप यहाँ पर इमिडाक्लोरोफिन और फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसान साथियों, एक और चीज़ हो रही है कि खाद कितना दे। किसान साथियों, 35 किलो DAP आप स्टार्टिंग में करते हो तो 35 किलो DAP एक एकड़ की बात करें, और 2 कट्टे SSP फर्टिलाइजर प्लस 20 किलो यूरिया। किसान साथी, ये देखकर आप सिंचाई कर सकते हो। ये बात करेंगे वो आती है हमारी करेला। किसान साथियों, करेला की खेती आप नर्सरी भी कर सकते हो और आपने बीज से भी कर सकते हो, किसान के द्वारा भी कर सकते हो। किसान साथियों, इसकी जो तुड़ाई की बात करें वो 35 से 40 दिनों में इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। और किसान साथियों, इसकी जो हाइब्रिड बीज है वो आते हैं सिजेंटा के और एग्रोवेट के। किसान साथियों, दोनों कंपनियां अच्छी है, करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। 30-40-35 का पिछले साल बीज आता बरसात के 1.5 महीने बाद, और किसान साथियों, लगता है इस बार करेला का अच्छा भाव मिलने वाला है। एक ही प्रकार से आप नर्सरी कर सकते हो और एक ही तरह से छान बनाकर कर सकते हो। किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 3 से 4 फीट आपको दूरी रखनी है। किसान साथियों, जितना दूर होगा पौधा और जितनी अच्छी छान होगी उतना अच्छा करेला लगेगा। किसान साथियों, हमने अपने पहले उसमें बता रखा आपने कि उस प्रकार से आप खेती कर सकते हो। और किसान साथियों, लौकी की पैदावार की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाएगा। किसान साथियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको दूसरी फसल और सब्जियों के बारे में। और किसान साथियों, अगले समय की बात करें जो लहसुन और सारी जानकारी लेने, सोयाबीन की हाइब्रिड बीज के बारे में जानना है, तो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी उनकी लिंक, और कमेंट में भी हम दे देंगे। और कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हो। नमस्कार किसान साथियों, अलविदा, जय शिवा, जय जवान, जय किसान। भारत के किसानों को सपोर्ट करें।